खबरें लिए खबरें सबसे सही। एक तरफ जहां देखा गया है कि लगातार एनजीटी का एक गाइडलाइंस जारी है, एनजीटी ने एक रिपोर्ट सामने लाया कि प्रदूषण का लेवल बढ़ जाएगा अगर पटाखे दगाए जाएंगे, जहां एक तरफ देखा गया दिवाली नज़दीक है, वहीं रायबरेली के कई ऐसे व्यवसायी जिन्होंने लाखों का सामान ओवरटेक किया, उनको रखा, स्टोर किया कि आखिर जो तीन दिन का जो व्यवसाय होगा वो उनको काफ़ी मुनाफा देगा। सरकार की तरफ से एक आदेश रातों रात जारी होता है कि कोई भी दुकानें नहीं लगेंगी, ना पटाखे फोड़े जाएंगे, उसको लेकर जहां रायबरेली से राहुल मिश्रा जी ने आपको एक रिपोर्ट दिखाई कि किस प्रकार से पटाखे व्यवसायियों का जो दर्द है वो सामने आ रहा है, और आज पटाखे जो व्यवसायी हैं वो रायबरेली के जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हुए हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो उनका व्यवसाय है उसको फिर से चलाया जाए और कहीं ना कहीं उनको सहूलियत पेश हो। जिसको लेकर बात की जाए तो कुछ भाजपा नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं, आइए उनसे बात करता हूँ कि आखिर वो इस बात को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है और ये निर्देश या आदेश जारी हुआ है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा अनुराग जी के पास। अनुराग जी, आज आए हुए हैं जिलाधिकारी कार्यालय। जी जी, पटाखों को लेकर निर्देश जारी हुआ, आदेश जारी हुआ, देखिए देखिए निश्चित रूप से आज एक विषम संकट हमारे पटाखा व्यवसायियों पर घिरा हुआ है, और इस कोरोना महामारी में चूंकि मैं भी व्यापार से जुड़ा हूँ, व्यक्तिगत मैं जानता हूं बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो पटाखा व्यवसायी हैं और पूरे साल भर का बजट वो इसी पर निर्भर होता है, लेकिन दूसरी तरफ आज देश में कोरोना महामारी जैसा संकट भी खड़ा हुआ है, और इस कोरोना महामारी में रातों रात एक एनजीटी की रिपोर्ट आती है कि अगर पटाखा दगाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी और तेज़ी से बढ़ेगी। जो प्रदूषण का लेवल दिल्ली में है, पूरा दिल्ली धुंध से छाया हुआ है, हरियाणा छाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर है, तो निश्चित रूप से अगर पटाखा भारी मात्रा में जलाया जाएगा तो ये कोरोना महामारी दोबारा कर। अनुराग जी, क्या जो प्रदूषण लेवल है वो सिर्फ पटाखों से ही बढ़ेगा? क्या जिस प्रकार से चिमनियाँ जल रही हैं और कई ऐसी चीज़ें सामने आई, क्या उनसे प्रदूषण लेवल नहीं बढ़ रहा? देखिए बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। आज एनजीटी ने फरवरी तक रोक दिया है, जितनी भी ईंट चिमनियाँ थी वो जो अभी चलने वाली थी दीपावली के तुरंत बाद, उनको भी रोक दिया गया है कि कोई ईंट भट्टा नहीं चलेगा जब तक कोरोना महामारी अपने विषम परिस्थितियों में है, तब तक अभी चिमनियाँ नहीं जलाई जाएंगी और फरवरी के बाद जलाई जाएगी। सरकार को ये आदेश जारी करना था तो कुछ ये भी बातें सामने आई कि लगभग 15 दिन पहले कुछ व्यवसायियों ने इस बात को प्रशासन से कंफर्म भी करने की कोशिश की थी कि पटाखे ना खरीदे जाएं, कि खरीदे जाएं, उसको लेकर भी प्रशासन ने कोई गाइडलाइंस नहीं जारी, रातों रात इस प्रकार के आदेश आपकी सरकार में आ जाते हैं? देखिए जो प्रदूषण का लेवल है वो 48 घंटे के अंदर इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ कि आप टीवी में अन्य समाचारों में देख रहे होंगे कि दिल्ली में ये स्थिति है कि 10 फीट की दूरी पे व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा, इतना ज़्यादा धुंध वहाँ पे अचानक आ गया। इसको देखते हुए कि अगर पटाखे जलाए जाएंगे तो वो धुंध और बढ़ेगा और लोगों को यहाँ तक कि अभी से सांसें लेने में दिक्कत आ रही है। उन व्यवसायियों का क्या जिन्होंने लाखों का सामान स्टोर कर लिया, क्या सरकार उनकी मदद करने के लिए सामने आएगी? देखिए निश्चित रूप से हम कह रहे हैं ना कि ये इस कोरोना में बहुत बड़ा संकट हमारे पटाखा व्यवसायियों के ऊपर खड़ा हुआ है, हम इसको मानते हैं, लेकिन उसका रास्ता सरकार निकाल रही है और हर जगह का प्रदूषण लेवल चेक किया जा रहा है, जहां जिसका जो लेवल आ रहा है, जो उसको ग्रीन जोन में घोषित किया जा रहा है वहां ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जा रही है, और जहां वो प्रदूषण का लेवल कम आ रहा है वहां पे निश्चित रूप से सारे पटाखों को जला। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर आई थी सरकार में और हिंदुओं का त्यौहार दिवाली नज़दीक है, सबसे अहम त्यौहार माना जाता है, उसमें इस प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं तो क्या माना जाए, हिंदुत्व की सरकार है? देखिए केवल पटाखा जलाने से ही हिंदुत्व की बात नहीं आती है जी, पटाखा आप दीपक जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करिए, आप लावा चूरा गट्टा इस सब का वो तो पारंपरिक चीज़ें हैं, जो लोग उत्साह मनाते आ रहे हैं सालों से, क्या वो माना जाए सरकार इस ओर ध्यान नहीं देना चाह रही है? आज आप देख लीजिए देश के अधिकतर मंदिर आज भी बंद पड़े हुए हैं, राजस्थान में देख लीजिए वहाँ के सारे मंदिर बंद पड़े हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, चित्रकूट में एक ऐसा मंदिर है जो केवल दीपावली के समय खोला जाता है, आज भी वो बंद है, आज भी ये बंद है। सर आस्था पे चोट लग रही है, चुनाव पे कोई चोट नहीं, सरकार क्या है? देखिए बात आपकी सही है, बिहार में चुनाव नियत थे, पहले से तय था,
उसका कार्यकाल पूरा था, सरकार के सामने एक संकट खड़ा हुआ था कि उस विधानसभा जो पूर्ण हो गई वहाँ चुनाव कराया जाना। बिहार चुनाव की बात करें ना करें, यूपी के उपचुनाव की बात कर लीजिए सर, यूपी के भी चुनाव उसका जो कार्यकाल 6 महीने का होता था वो पूर्ण हो चुका था और सदन में गठित होना आवश्यक होता है, इसलिए उपचुनाव कराए गए। चलिए, कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल थे, कई उन सवालों को लेकर, हालांकि अभी व्यवसायियों से कई बात की गई थी, आपका धन्यवाद। काफ़ी समय हम लोगों ने लिया भाजपा नेता का, उन्होंने इस बात को साफ किया कि सरकार जो है वो अपने निर्देश अपने आदेश जारी कर रही है। एक लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी बात जानूंगा कम से कम शब्दों में। अभी भाजपा ही कह रही थी कि दीपावली पटाखों के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए, ये भाजपा का ही कहना था, तो उसमें इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद ये रैलियों के विषय में कुछ नहीं बोले, उपचुनाव के विषय में कुछ नहीं बोले। रैलियां क्यों हुई, क्या रैलियां जरूरी थी? पौराणिक काल से दीपावली मनती चली आई है। ये सब सवाल मैं पूछ चुका, हालांकि कई ऐसे सवाल थे जो रायबरेली एक्सप्रेस ने भाजपा नेता से पूछे, कई ऐसे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जितना महत्वपूर्ण था कोरोना काल में, क्या उतना महत्वपूर्ण दिवाली नहीं माना जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इस जद्दोजहद में रहेंगे कि आखिर इसके जवाब कब रायबरेली एक्सप्रेस के हाथ लगते हैं। अखिल श्रीवास्तव, रायबरेली एक्सप्रेस, रायबरेली।